आज मैं आपको बताऊंगी जली हुई कढ़ाई। देखिए कितनी जल गई है ये कढ़ाई। तो ये जली हुई कढ़ाई कैसे साफ करें जैसे ये चमकती हुई लगे। देखिए कितने अच्छे से साफ हुई है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी ये कढ़ाई कैसे साफ करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। देखिए ये कढ़ाई, एक्चुअली मैं गैस बंद करना भूल गई तो उसमें ये कढ़ाई मेरी जल गई है। तो ये जली हुई कढ़ाई को हम लोग देखिए कैसे साफ करते हैं। बहुत ज़िद्दी दाग हैं देखिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे पानी। पानी से भर देंगे हम लोग कढ़ाई को। उसमें साथ में डालेंगे विनेगर आधी कटोरी के करीब, छोटी कटोरी, और एक बड़ा नींबू डालेंगे। अगर छोटे नींबू हैं तो दो नींबू डालें। इसे उबालेंगे हम लोग, 2-3 मिनट उबाल लेंगे। पानी को साइड्स में डालते जाएंगे, जैसे ऊपर के निशान भी जो है ढीले पड़े। अभी इसे ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग जब तक ये ठंडा हो। देखिए उबालने की वजह से जो कालापन है इसमें वो ढीला पड़ जाता है और आसानी से निकलता है। इसमें विनेगर और नींबू का हमने इस्तेमाल किया है। देखिए इजीली स्पून से निकल रहा है। अभी ठंडा हो चुका है तो पानी को हम लोग एक बाउल में डाल देंगे और इसे हमें अभी घसना है। तो कोई भी बार का इस्तेमाल करेंगे, जो लेमन सोप्स आते हैं, विम बार हो, एक्सो हो, थोड़ा सा ले लेंगे घसनी पे, स्क्रब पे, और इसे घसेंगे तो ये जो ब्राउन लेयर है इस पे वो इजीली निकल जाएगा। इससे पहले भी मैंने एक कढ़ाई का वीडियो डाला था जिसमें बहुत ही पुरानी कढ़ाई है उसको कैसे हम लोग चमकाएं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके उस पर बोला था इतना घसने से तो ये कढ़ाई फेंक दो। तो हम लोग सब चीज़ें फेंक नहीं सकते, कुछ चीज़ों के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई होती है। ऐसे नहीं कोई हमारा बर्तन जल गया तो ऑल टाइम हम लोग उसे फेंकते रहें, तो वो तो हम लोग नहीं कर सकते। पर उसे हम लोग साफ़ कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर इजीली उसे साफ़ कर देंगे। स्क्रब से इसे घसना है तो जो ब्राउन लेयर है वो निकल जाएगा पूरा। जो बाउल में हमने पानी निकाल के रखा था उसके ऊपर कढ़ाई रख देंगे, जैसे नीचे का लेयर जो है वो भी ढीला पड़े, तो थोड़ी देर इसमें डुबो के रख देंगे। इसके बाद इसे हम लोग नीचे के साइड भी घस देंगे, जैसे ये नीचे वाला ब्राउन लेयर भी निकल जाए। विनेगर वाला पानी डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा विम बार या एक्सो लेके इसे घसेंगे। घसने से ये धीरे धीरे ब्राउन लेयर जो है निकलता जाएगा। देखिए बीच के पार्ट का पूरा ब्राउन लेयर निकल गया है। मैं थोड़ा पानी डाल के दिखा रही हूँ, देखिए। पर साइड जहाँ पे हैंडल है वहाँ पे अभी भी ये काला है। यहाँ पे जमा हुआ कालापन है, तो हम लोग यहाँ पे नाइफ का इस्तेमाल करके इसे निकाल देंगे। पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया है ये कालापन अगर ज़्यादा हो तो उसे गर्म करके कैसे निकालें, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसे भिगोने की वजह से जो ये कालापन है लूज़ हो जाता है और इजीली निकल जाता है। इस तरह से पूरा कालापन निकाल लेंगे हैंडल से भी। अगर हैंडल से नहीं निकलता है तो
तो इसे अच्छे से गरम करें। गरम करने के बाद करछी या कोई भी स्पून लेके इसे हल्का सा घसेंगे तो इजीली निकल जाता है कालापन। हैंडल पे है, इसे घस के फिर निकाल देंगे। कढ़ाई का कालापन तो निकल गया है पर उसमें चमक नहीं है, तो चमक लाने के लिए हम लोग सैंड पेपर का इस्तेमाल करेंगे। उससे इसे घसेंगे तो जो भी काले निशान हैं वो इजीली निकल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें विनेगर का पानी डालें और थोड़ा सा विम बार भी लगा के इसे अच्छे से घसेंगे तो देखिए कढ़ाई कितनी चमकती है। जहाँ जहाँ काले निशान होंगे वहाँ पर इसे घसेंगे। हैंडल पे भी बहुत आसानी से इससे साफ हो जाता है पूरा कालापन। और एक चमक भी आ जाती है कढ़ाई में। ये अच्छे से घस लिया है मैंने इसे, मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। देखिए वॉश करने के बाद कढ़ाई किस तरह से चमक रही है। कुछ कुछ हैंडल पे अभी भी काले निशान हैं पर बाकी पूरी कढ़ाई अच्छे से साफ़ हो चुकी है। कोई विश्वास करेगा इतनी जल्दी कढ़ाई को हम लोग इतना अच्छे से साफ़ कर सकते हैं? देखिए सैंड पेपर यूज़ करने की वजह से कितनी इसमें अच्छे से चमक आ जाती है। और सैंड पेपर यूज़ करने के बाद इसे कुछ मिनट्स अगर गैस पे हम लोग गर्म करेंगे ना तो और ये ज़्यादा चमकती है। तो ये टिप्स ज़रूर यूज़ करके देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।